नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केलकर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, डीएडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, मैं मानस उपचार तज्ञ हूँ और मैं अलग अलग वीडियोस के द्वारा पेशेंट्स को और पेशेंट्स के रिलेटिव्स को अवेयर कराना चाहता हूँ, डिजीजेस के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। पिछले बारे में मैंने डेमेंशिया नाम की बीमारी के बारे में लक्षण बताए, उसके सिम्टम्स बताए, डायग्नोसिस बताया और अब ये वीडियो में मैं आपको ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है कि डेमेंशिया को प्रिवेंट कैसे करना। ऐसा माना जाता है कि जिनका कॉग्निटिव रिजर्व अच्छा है, मतलब जो ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा अच्छा काम करते हैं, ज्यादा खेल खेलते हैं, ज्यादा क्रिएटिव रहते हैं, उनको डेमेंशिया की बीमारी होती नहीं। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो पेरेंट्स है, वो जो बूढ़े हो रहे हैं, उनको हर चीज में क्रिएटिव रखना, उनको कुछ ना कुछ काम देना, उनको अलग अलग चीजें करने के लिए कुछ काम देना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो लोग जल्दी रिटायर हो जाते हैं, जो लोग जल्दी काम बंद कर देते हैं, उनको डिमेंशिया होने की संभावना ज्यादा है। अलग अलग प्रकार के कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस आए हैं, जैसे सुडोकू या लूडो या चेस, ऐसे गेम्स खेल के डिमेंशिया को हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, डिमेंशिया को हम रोक सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन या जिम जाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस है। साथ में ही ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इसको कंट्रोल में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेमेंशिया न होने के लिए। जब डेमेंशिया किसी को हो जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट्स को और पेशेंट्स के रिलेटिव्स को पैनिक नहीं करना और उनको बोलना कि पैनिक न करें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट्स के रिलेटिव्स को और पेशेंट को ओरिएंटेशन देना, ये बीमारी में क्या हो रहा है, ये बीमारी क्यों होती है, ये उनको बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेशेंट कितना भी चिड़चिड़ करे या गुस्सा करे, हमने शांत रहना है, हमने उन पे चिड़चिड़ बना करना नहीं, हमने गुस्सा करना नहीं। पेशेंट कितना भी आरोप करे, लेकिन हमने रिलैक्स रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पेशेंट्स को एक अच्छी रूम दें जहां वो खुद का डेली लाइफ जी सके, उनको अच्छे कपड़े पहनाए, उनको ओरिएंटेशन दे, आज का समय कितना है, आज की डेट क्या है, आज क्या क्या न्यूज हो रही है, ये बताना उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब वो ओरिएंटेड रहेंगे कि एग्जैक्टली पूरी दुनिया में क्या चालू है, तो उनको इंपॉर्टेंट लगेगा, ऐसा लगेगा कि मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ और मेरी भी दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंस है। उनको एक घड़ी देना इंपॉर्टेंट है, डायरी देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां वो खुद का शेड्यूलिंग कर सके, खुद के नोट्स निकाल सके। जब भी आप घर में डिसीजन लो, तब ये देखना है कि हम उनको इन्वॉल्व करें ताकि उनकी एक्टिविटी चालू रहे। हमने ये देखना है कि जो घर है वो अच्छा रखे, ज्यादा घर में स्लिपरी वातावरण ना रखे, घर अपने कपड़े अच्छे पहनाए पेशेंट्स को, ताकि पेशेंट स्लिप होके गिर ना जाए, पेशेंट को ध्यान रहे कि एग्जैक्टली वातावरण में क्या शुरू है। जब पेशेंट को डिमेंशिया हो जाता है तब हमारे पास अलग अलग प्रकार के मेडिसिन है, डोनेबेसिल, मेमेंटिन, ब्राम्बीजा, पायरासिटाम, सिरप शार, ऐसे अलग अलग प्रकार के लिक्विड और ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल है, जो डेमेंशिया के पेशेंट को डेमेंशिया को खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन जो ये बीमारी है उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं और पेशेंट को ज्यादा एक संजीवनी दे सकते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स है जो 70-75 ईयर ओल्ड है, 80 ईयर ओल्ड है, लेकिन जो डोनेबेसिल मेमेंटिन का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं और 5-10 साल से वो रिलैक्स है, अच्छे हैं और उनको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। जो मैंने सिम्टम बताया, जैसे डेल्यूजन्स, हैल्यूसिनेशंस, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीपलेसनेस, उनके भी हम मेडिसिन पेशेंट को देते हैं, जिससे पेशेंट शांत रहता है, चिड़चिड़पना नहीं करता, पेशेंट को नींद अच्छी आती है और पेशेंट अच्छी से रिलैक्स रह सकता है। हमने हाल ही में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर शुरू किया है जो अकोला में ही स्थित है। इस रिहैब सेंटर में हम जो भी डेमेंशिया के पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये रिहैब सेंटर है, साथ में ही मेंटल रिटार्डेशन, अल्कोहल डी एडिक्शन, स्किजोफ्रेनिया, ऐसे अलग अलग प्रकार के पेशेंट्स के लिए हमने ये रिहैब सेंटर शुरू किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रिलेटिव्स डेमेंशिया से बीमार हैं, लेकिन वो पेशेंट की तरफ ध्यान नहीं दे सकते। ऐसे पेशेंट्स को हम ये रिहैब सेंटर में रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं
उनको दवाई देते हैं और उनको हम अच्छे से रिलैक्स होके देख सकते हैं। ऐसे अभी भी 2 से 3 पेशेंट हमारे यहाँ रिहैब सेंटर में एडमिट है। हमारा इंटेंशनल मोटिव है कि हम ऐसे पेशेंट्स को जिनको डिमेंशिया हुआ है उनको उनके फ्यूचर के लिए उनको हम अच्छे से ट्रीटमेंट दें और उनका फ्यूचर हम अच्छा बनाए। मेरे ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे, ऐसे वीडियोस को जरूर लाइक करिए, ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो यूट्यूब पे मेरे चैनल में जाके ये वीडियो को जरूर देखिए। मैं जल्द ही और भी वीडियोस लेके आऊंगा। धन्यवाद।